तो आज हम बनाने वाले हैं रेगुलेटेड पावर सप्लाई। रेगुलेटेड पावर सप्लाई की हमें नीड क्यों होती है? जो हमारी मेन सप्लाई होती है वो हमेशा वेरी करती रहती है। जनरली इंडिया में जो पावर सप्लाई है दैट इज़ 220 वोल्ट, 220 और 230 वोल्ट हम बोलते हैं, बट ये वेरी होती रहती है 160 वोल्ट से लेकर 240 वोल्ट तक। अगर हम इसको डायरेक्ट दें तो जो हम सप्लाई बना रहे हैं, पावर सप्लाई बना रहे हैं, उसकी आउटपुट डीसी भी वेरी होती रहेगी, विच इज़ नॉट डिज़ायरेबल। तो इसके लिए हमें एक रेगुलेटेड पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है, जो आज हम डिज़ाइन करने वाले हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए होता है एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो हम ये इसकी प्राइमरी बना ली, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है तो सेकेंडरी टर्न्स कम होंगे, सो दिस इज़ माई स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट हम बनाते हैं एक ब्रिज रेक्टिफायर। तो ये हमारा ब्रिज रेक्टिफायर बन गया है। इसके बाद ब्रिज रेक्टिफायर के बाद हम बनाते हैं एक फ़िल्टर। थ्योरेटिकली हम पाई टाइप फिल्टर यूज़ करते हैं, तो इसके लिए हम एक इंडक्टर लगाते हैं और पैरेलल में दो कैपेसिटर कनेक्ट करते हैं। ठीक है, और इसके बाद हम लगाते हैं एक रेगुलेटर आईसी। और लास्ट में होता है लोड रेजिस्टेंस। तो इस तरह से मैं अपना सर्किट बना सकती हूँ। यहाँ पे मैं ट्रांसफार्मर का कनेक्शन ब्रिज रेक्टिफायर से कर दूँगी, यहाँ से मैं आगे कनेक्ट करूँगी इसे सर्किट के साथ, ये वायर मेरी यहाँ कनेक्ट हो जाएगी। सो दिस इज़ माई रेगुलेटेड पावर सप्लाई। हमारे पास रेगुलेटर के लिए ICs अवेलेबल होती हैं 78XX सीरीज़ और एक 79XX सीरीज़। इसमें आपको बहुत सारी रेंज में ICs अवेलेबल होती हैं, सपोज 7805, 7809 एंड सो ऑन। 78 का मतलब है कि आपको पॉजिटिव आउटपुट देगी और 05 जो लास्ट के टू डिजिट्स हैं वो ये बताती हैं कि कितनी वोल्ट्स आपको मिलेंगी। तो 7805 से आपको प्लस 5 वोल्ट डीसी मिलेगी, ऐसे ही 7809 से प्लस 9 वोल्ट डीसी मिलेगी, एंड 79 सीरीज़ आपको नेगेटिव वोल्टेज देगी। तो 7905 अगर आईसी है आपकी, इट विल गिव यू माइनस 5 वोल्ट डीसी। सो दिस इज़ अवर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इसकी दो साइड्स होती हैं, जहाँ ये दो वायर हैं दिस इज़ फॉर मेन सप्लाई, इसको हम सॉकेट के साथ कनेक्ट करेंगे। और ये वाली जो साइड है दिस इज़ सेंटर टैप ट्रांसफार्मर, आप यहाँ देख रहे हैं सेंटर से भी एक टैपिंग ली गई है। और ये जो ट्रांसफार्मर है इस पर लिखा है 12012, इट मीन्स आप इन दोनों वायर से कनेक्शन लेंगे तो आपको 12 वोल्ट मिलेगी, इन दोनों वायर से कनेक्शन लेंगे तो भी 12 वोल्ट मिलेगी, यहाँ से कनेक्शन लेंगे तो आपको 24 वोल्ट भी इसमें मिल सकती है। तो इस तरह से हम इसको कनेक्ट करेंगे। सो दिस इज़ अवर ब्रिज रेक्टिफायर। ये मैंने चारों डायोड लगा लिए हैं। जो सामने की दो ब्रांच के डायोड हैं वे बिल्कुल एक साइड में लगेंगे एक डायरेक्शन में, और इस अपोजिट ब्रांच के भी बिल्कुल एक डायरेक्शन में लगेंगे। अब मुझे इसमें फ़िल्टर लगाना है, तो फ़िल्टर के लिए मैं एक सिंगल इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर भी यूज़ कर सकती हूँ। मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ 1000 माइक्रोफेरेड का इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर। इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर की एक लेग हमेशा लंबी होती है विच इज़ पॉजिटिव लेग, और जो नेगेटिव लेग होती है वो छोटी होती है। यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन के लिए माइनस का साइन भी बना होता है नेगेटिव लेग के साथ, तो आप इससे भी इसको ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर लगा के भी मेरा ये बहुत अच्छे से फ़िल्टरिंग कर देगा। तो मैं यहाँ पे इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर लगाने वाली हूँ। फिल्टर के बाद एज पर द डायग्राम हमें लगाना है रेगुलेटर आईसी। दिस इज माय रेगुलेटर आईसी, दिस इज 7805। अगर इसकी जो सबसे पहली पिन होती है दिस इज इनपुट, लास्ट वाली पिन इज आउटपुट, सेंटर वाली पिन ग्राउंड है। तो हम इसे इंसर्ट करेंगे, अच्छे से इसको इंसर्ट करना है। इंसर्ट होने के बाद हम आउटपुट को चेक करने के लिए यहाँ पे लोड रेजिस्टर लगा रहे हैं, बट हम क्या करेंगे, रेजिस्टर तो लगाएंगे ही, साथ में आउटपुट पे एलईडी भी लगाएंगे। एलईडी ग्लो होगी तो हमें पता लग जाएगा हमारी आउटपुट बिल्कुल करेक्ट आ रही है। तो मैंने यहाँ पे 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस लिया है। यहाँ पे मैं एलईडी लगा दूंगी। एलईडी की भी एक लेग लंबी होती है एक छोटी होती है, तो लंबी वाली लेग को हम ऐसे थोड़ा सा मोड़ के इसको नेगेटिव लेग के बराबर कर लेते हैं ताकि इंसर्ट करने में हमें कोई प्रॉब्लम ना हो।
तो अब जब मैंने इसको मोड़ लिया है तो मेरी दोनों बराबर हैं और आपको बाहर से देखने पे भी पता लग जाएगा ये पॉजिटिव एंड है। तो इसको भी हम इंसर्ट कर लेंगे अंदर। अब हम इन सारे सर्किट का आपस में, इन सारे कंपोनेंट का आपस में कनेक्शन करेंगे। सबसे पहला कनेक्शन मैं यहाँ से उठा रही हूँ ब्रिज रेक्टिफायर का, और इसको मैं फिल्टर के, इस कैपेसिटर को ऐसे फिल्टर जो मैंने लगाया इसकी पॉजिटिव लीड के साथ कनेक्ट कर दूंगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने इसका कनेक्शन दे दिया। कैपेसिटर से मुझे रेगुलेटर आईसी पे इनपुट देनी है, तो मैं यहाँ से दोबारा से एक कनेक्शन लूँगी और इस रेगुलेटर आईसी की वन नंबर पिन पे, वन नंबर पिन इज इनपुट, तो यहाँ पे मैं कनेक्शन दे दूंगी। आगे पीछे आप किसी भी होल में इंसर्ट कर सकते हैं, ये सारे आपस में शॉर्ट होते हैं। दिस इज थ्री नंबर पिन, रेजिस्टर को कनेक्ट कर दूंगी। ये हमने एलईडी को भी कनेक्शन दे दिया। अब मुझे नेगेटिव साइड के कनेक्शन करने हैं। नेगेटिव साइड के कनेक्शन के लिए मैंने यहाँ से कनेक्शन लिया ब्रिज रेक्टिफायर ने, और कैपेसिटर की नेगेटिव लीड के साथ मैं कनेक्ट कर दूंगी। आप एक बार ही चेक कर सकते हैं ऐसे उठा के, नीचे आपको लीड दिखेगी कैपेसिटर की कि आपने सही कनेक्ट किया कि नहीं। नेक्स्ट यहाँ से आपको कनेक्शन लेकर रेगुलेटर की सेंटर वाली पिन जो कि ग्राउंड पिन है उससे कनेक्ट कर देना है, ठीक है। चाहे तो मैं आपको थोड़ा सा अच्छे सफाई से आपको दिखे, यहाँ पे कनेक्ट कर रही हूँ और मैंने रेगुलेटर की सेकंड नंबर पिन जो थी उसका कनेक्शन लिया है, उसको ग्राउंड से कॉमन वायर से कनेक्ट कर दिया। इसके बाद इसको रेजिस्टर के दूसरे एंड से कनेक्ट कर दूंगी। और रेजिस्टर की इस नेगेटिव साइड को एलईडी की नेगेटिव लेग के साथ कनेक्ट कर दूंगी। तो इस तरह से मेरे सारे कनेक्शंस कंप्लीट हो गए हैं। अब सिर्फ ट्रांसफार्मर मुझे कनेक्ट करना है। ट्रांसफार्मर की ये मेन सप्लाई है रेड वाली वायर, तो मैं इसको यहाँ दे सकती हूँ। इस डायोड से करंट फ्लो होगा और इस वायर से होता हुआ फिल्टर सर्किट पे आ जाएगा। यहाँ से करंट पूरा ट्रेवल करता हुआ, यहाँ से रिवर्स पाथ लेता हुआ अब ये करंट बिल्कुल अपोजिट वाले डायोड में एंटर करेगा जब ये वापस आएगा। तो यहाँ से मैंने इसका कनेक्शन ले लिया। तो ये ट्रांसफार्मर की ब्लैक वाली वायर हमने यहाँ वापस में कनेक्ट कर दी है। सो दिस इज़ द कनेक्शन ऑफ ब्रिज रेक्टिफायर। तो हमने ये कनेक्शन कर दिया है, अब हम यहाँ से स्विच ऑन करेंगे और स्विच ऑन करते ही एलईडी जल रही है, इट मीन्स हमारा सर्किट बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। 5 वोल्ट की जो हमने सप्लाई तैयार की है ये बिल्कुल ठीक से आउटपुट दे रही है।